सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढुंडवा में। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, यदि वोटर कार्ड में नाम गलत है तो BLO साथी अपने गरुड़ा ऐप पर किस प्रकार से फार्म को फीड कर सकता है। स्टेप टू स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास में घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको अपना गरुड़ ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद साथियों, थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देते हैं और फॉर्म्स पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है, फॉर्म नंबर 8 के माध्यम से आप करेक्शन कर सकते हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर्म नंबर 8 में आपके सामने चार ऑप्शन आ जाते हैं, आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जिस मतदाता का वोटर कार्ड में नाम गलत है उसका एपिक नंबर आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। उसके बाद फैच डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको मतदाता का रिकॉर्ड फाउंड हो जाता है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मतदाता की पूरी डिटेल सामने दिखाई देती है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों, आपको मतदाता की कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जिसमें कि आधार डिटेल है जो बिल्कुल नया कॉलम ऐड हुआ है वोटर कार्ड में फॉर्म नंबर 8 में। आधार नंबर है तो इसमें क्लिक करके आप फिल कर दीजिए, नहीं है तो इसी के नीचे जो रेड लाइन में लिखा हुआ है वहां क्लिक करेंगे तो साथियों ये कॉलम बिल्कुल अनलॉक लॉक हो जाता है। यहां पर कुछ भी आप नहीं डाल सकते और यदि है तो इसमें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर इस कॉलम में आपको फीड कर देना है। यदि मतदाता के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है स्वयं का, तो वो अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर नेक्स्ट कॉलम में फीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं, ईमेल आईडी, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी आप इसमें फिल कर सकते हैं। यदि है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने दोबारा से वही चार ऑप्शन शो हो जाते हैं, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों, आपको पांच ऑप्शन मिलते हैं जहां पर जो करेक्शन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हमें केवल नाम की करेक्शन करनी है तो आप यहां पर नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जो नाम आप करेक्ट करवाना चाहते हैं वो नाम आपको यहां पर फिल कर देना है, दोनों ही लैंग्वेज में। पहले आप इंग्लिश लैंग्वेज में नाम को फिल कर दीजिए। जैसे ही आप पहले कॉलम में नाम फिल कर देते हैं तो नेक्स्ट कॉलम में नाम अपने आप ट्रांसलेट हो जाता है। यदि मतदाता के नाम के साथ कोई भी सरनेम है तो आपको नेक्स्ट कॉलम में फिल कर देना है। यदि नहीं है तो उसको बिल्कुल आप खाली रहने दीजिए, उसमें कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको प्रूफ फॉर चेंज ऑफ नेम, यानी क्या डॉक्यूमेंट आप चेंज करने के लिए लगा रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक करके आपको अटैच कर देना है। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, कैमरा से भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो और गैलरी से भी। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो गैलरी में मैंने सेव कर रखा है तो मैं वहाँ से अटैच कर देता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाता है साथियों, आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा।
वहाँ पर लास्ट कॉलम में बिल्कुल आपको जिस स्थान से आप फार्म अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद डन बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने फार्म का प्रीव्यू शो होगा। जो डिटेल आपने फिल की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है। यदि आपकी डिटेल में कोई करेक्शन आपको करनी बाकी है या कुछ सही से फिल नहीं कर पाए हैं तो जो क्रॉस का बटन है वहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से फार्म को वापस ठीक कर सकते हैं और डन बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद साथियों बिल्कुल नीचे कन्फर्म बटन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका फार्म बिल्कुल सबमिट हो जाता है और आपके सामने मैसेज शो होता है, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट, जो भी डेट है उस टाइम की वो मेंशन हो जाती है। और उसी के नीचे योर रेफरेंस आईडी इज़, यानी आपकी रेफरेंस आईडी फार्म की मिल जाती है। ये आप बिल्कुल सेफ रखें। इसी के माध्यम से आप अपने फार्म का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, फार्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस हमने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे बीएलओ साथी किस प्रकार से एक मतदाता के नाम को शुद्ध कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।